बाइक लेके जाने के लिए है कि नहीं मालूम आपको, तो बताया बंसार बंसार हो सकती है। नथुला पास क्लोज है बोल रहे, लास्ट तीन दिन से चोरी चोरी से ट्रैवल कर रहे। कोलकाता 578, जस्ट 578। सो ये सब नेपाल की गाड़ियां हैं, ये देख लीजिए। वाओ, इसके बाद में आपको ऊपर रहता, कितना टाइम लेंगे आप लोग? इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल, एंड फर्स्ट टाइम मैवरिक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस। भाई कुछ अलग ही फील हो रही है यार। फिर भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊं? आई लव मिरिक की यहाँ पे आए, देखते हैं हमको अलाउ किया जाता है क्या। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल किया हूँ। यहाँ पे लॉटरी वाले का फंडा बहुत है। चलना ये है कम्प्लीटली पार्किंग एरिया, यहाँ पे फोर व्हीलर्स रहती हैं एंड यहाँ पे आती है टू व्हीलर्स। देख लीजिए यहाँ पे टू व्हीलर्स पार्किंग का अलग एरिया, अलग गेट है। अपनी मेवरी को मिली है फोर व्हीलर वाली जगह, तो ये हॉस्पिटैलिटी मिली है एट दी एप्पल्स बालाजी इन। सो बेस्ट है, इतनी लंबी पार्किंग आपको फुल ऑन कवर मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल, दैट इज सागर्स लाइफ आवर चैनल नेम। सो वेलकम यू ऑल इन एपिसोड नंबर 2 ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट जर्नी। सो इन टुडेज जर्नी आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर और टू रीच द नेपाल बॉर्डर। लेट्स सी वेदर द टू व्हीलर्स आर अलाउ और दे आर नॉट। एज जस्ट चेक इन गूगल मैप, इट्स शोइंग इट्स ओनली फॉर द फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर के लिए अलाउ नहीं है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट की बॉर्डर तक भी जाए। वैसे तो वहाँ से अलाउ रहता है अंदर मार्केट जाके, ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर आप वहाँ पर अंदर जाके घूम के आ सकते हो, शॉपिंग करके आ सकते हो, टूरिस्ट की कार वहाँ पे लेके घूम सकते हो, बट बाइक लेके जाने के लिए है कि नहीं मालूम आपको, तो बताया बंसार बंसार हो सकती है। इवन अंदर नहीं अलाउ किया तो बॉर्डर पे थोड़ा सा जाके वापस आ जाएंगे, वो मेरा ट्राई है। सो वीडियो पे जरूर बने रहना। नाउ लेट मी शो द बाइक विच फुली लोडेड आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ्स। बिफोर 6 मंथ इट वॉज ऑन लद्दाख राइड विथ सैडल बैग्स, बट नाउ वी हैव इंस्टॉल पैनियर्स। लेट मी शो यू। सो ये रही बाइक, आगे की तरफ अपनी दोनों भी रूम बैग है, टैंक बैग वहाँ पे पैक करना है, मेरी वाइफ की पिलो सीट जो लास्ट टाइम हम लोग बोल गए थे लद्दाख राइड, वो ले लिया। अभी बंजी कॉर्ड है यहाँ पे, लगा दूंगा इसको। अपनी टेल बैग, ये पैनियर्स, पीछे की तरफ का लुक कुछ ऐसा है, सिर्फ एक टेल बैग है अपनी, नो टॉप बॉक्स। देन यहाँ पे अपना पैनियर, टैंक बैग, या अपनी रूम की बैग, दैट्स इट। सो कुछ ऐसा हेवी वाला सेटअप आज रखा है। आज थोड़ा टाइम लगा माउंटिंग के लिए, टेल बैग का आइडिया नहीं था, जैसे जैसे आइडिया हो जाएगी हाथ बैठ जाएगा अपना। बट एक चीज़ है, 20-25 मिनट बचा लिए बाय इंस्टॉलिंग पैनियर्स, प्लग एंड प्ले बॉस, विद इन 5 सेकेंड्स एक साइड का पैनियर लग जाता है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग ऑन एक्शन कैमरा। तो इट्स 6:39, बहुत लेट हो गया यार, बहुत लेट हो गया, 40 मिनट लेट हो गए। यहाँ से यू टर्न है, ये जस्ट बाजू में ही रेलवे स्टेशन और बस डिपो दोनों भी है यहाँ पे। सब बिहार में जाने वाली गाड़ियाँ रात को यहीं पे थी, हम लोग खाना खाने आए थे, यहीं पे लगती है पूरी प्राइवेट गाड़ी भी एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस भी। एक चीज़ मेरे को स्ट्रेंज लगी यहाँ पे इन सिलीगुड़ी की, यहाँ पे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है ना, इसके ऊपर लिखा रहता है NBST, बोले तो नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट, तो ये वेस्ट बंगाल बोला जाता है। ये देखिए NBSTC, तो ये फंडा मेरे को समझ में नहीं आया, ये देखिए NBSTC, तो ये नॉर्थ बंगाल बोला जाता है यहाँ पे, बट स्टेट का नाम तो वेस्ट बंगाल ही है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वॉचिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, डू लेट मी नो। तो ये नॉर्थ बंगाल बोला जाता है, तो इस एरिया को नॉर्थ बंगाल क्यों नहीं बोलते हैं, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में क्यों बोला जाता है, आई एम जस्ट क्यूरियस, डू लेट मी नो इफ़ यू नो। अपना जो आज का डेस्टिनेशन है वो जस्ट 65 किलोमीटर यहाँ से, बट वहाँ पे नहीं जाऊँगा मैं, उसके पहले मैंने मैप लगाया है पशुपति नेपाल बॉर्डर जो है 64 किलोमीटर यहाँ से, गूगल बोल रहा है 2 घंटा 5 मिनट लगेंगे। अभी वही अपना कट मारने से पहले देखना है, बिकॉज वी हैव पैनियर्स विद अस। चलना भाई, कुछ अलग ही फील हो रही है, फुली लोडेड। सो बागडोरा जहाँ से कलम हाय दार्जिलिंग 76 किलोमीटर है, सेवो गैंगटॉक 119। सो यहाँ से गैंगटॉक भी कर सकते थे, बट यार इतने पास में है दार्जिलिंग के, तो दार्जिलिंग तो घूमना बनता है, एंड जो एपिक टॉय ट्रेन है उसमें तो सफ़र करना बनता है। सो वो भी ट्राई करूँगा, अगर टिकट मिलती है तो मेरे को उसका भी ट्रैवल करना है, तो उसकी भी टिकट कहाँ से बुक करनी है सब आइडिया दे दूँगा आपको, इफ़ इनकेस मिलनी चाहिए। अभी तो मॉर्निंग में मैंने देखा तो 68 दिखा रहा था अवेलेबल, बट उसका जो टाइमिंग है वो 1:30 बजे, और अगर इफ़ इनकेस पशुपति बॉर्डर में हमको ज़्यादा टाइम लगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा,
क्योंकि 1000 रुपीज़ टिकट एक आदमी की अगर आप डीजल लेते हो तो, स्टीम लेते हो तो 1500 रुपये की है। सो अननेसेसरी इतने पैसे अटक जाएंगे, रिफंड भी नहीं मिलते हैं। सो दैट्स वाई मैंने रिस्क नहीं ली कि बुक करने का, इफ़ इनकेस पशुपति बॉर्डर से जल्दी निकल जाते हम लोग सो वो बुक करा लूँगा। कोलकाता 578, जस्ट 578 यार, जस्ट 578 कोलकाता के इतने पास आ गए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के इतना पास आके गया था ना, मथुरा के यहाँ से चला गया था, तो ऐसे बुरा लग रहा है। बाकी राइडिंग कल्चर यहाँ पे है, राइडर्स मेरे को बहुत दिखे कल, और यहाँ पे हेलमेट कंपलसरी है पीछे वाले के लिए भी, जो जयपुर में मैंने ऑब्जर्व किया था सेम वैसे यहाँ पे भी है। सो फ्रेंड्स मेरे राइट हैंड साइड पे देख लीजिए टी प्लांटेशन, अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी आपको इस सीरीज में। आसाम में जाएंगे तो यार आसाम उसी चीज़ के लिए फेमस है, ये देख लीजिए। वाओ क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार, हम लोग को आदत है ना वो राइस की, ओ एलिफेंट एरिया है, यहाँ पे एलिफेंट राइस की खेती देखने की, एंड देन उसके बाद हमारे यहाँ पे शुगर केन की। फिर भी मैंने कहा लोकल से बात किया ना, वो बोलते हैं इस वक्त इतना बारिश नहीं गिरा है यहाँ पे, तो दैट्स वाई पूरा सूखा सूखा मिलेगा आपको। इवन दार्जिलिंग में भी अभी इस दौरान भी थोड़ी बारिश गिर के चली जाती है बता रहे थे, बट इस बार बारिश ही नहीं हुई कम्प्लीटली। नदी नाले भी कल मैंने देख लिए कम्प्लीटली सूखे हुए हैं, ब्रिज है इतने बड़े बड़े पर नाले में पानी नहीं, ये देख लीजिए। वाओ उसकी हाइट भी देख लीजिए ना आप, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है ये। बट ऊपर सिक्किम में बहुत बर्फ़ गिर रही है, बहुत, नथुला पास क्लोज है बोल रहे हैं लास्ट 3 दिन से। बस यही गुजारिश है जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे ओपन हो जाए भाई, ओपन हो जाए। आए हैं यार इतने दूर से बाबा का दर्शन लेने के लिए, बाबा हरभजन जी, तो दर्शन हो जाए बस। बाकी उसका भी परमिट वगैरह कैसे लेना है सभी चीज़ों को गाइड कर दूंगा। जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, तो आने वाले वीडियोस बहुत ही ब्यूटीफुल और इन्फॉर्मेटिव एंड ऑफबीट लोकेशन वाले होने वाले हैं। क्या बात है, फर्स्ट ब्रिज ऑफ दिस राइड। पानी देखिए, बोला ना मैंने बहुत कम है पानी। वाओ कूल मैन, सुपर्ब। BSF कैंप है, नहीं दिखा सकता आपको, आप सीधा देखिए बस। चलो बंद कर रहा हूँ मैं कैमरा। आई थिंक अभी हम लोग टॉप के ऊपर आ गए, नहीं और ऊपर जाना है फ्रेंड्स। ऑलमोस्ट 20 मिनट के ऊपर हो गया इस माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा हूँ। एक माउंटेन्स के ऊपर दूसरे माउंटेन पे रीराउट करते जा रहा है, मस्त क्लाइमेट है। रोड्स में भी ये बहुत मेरे को अच्छा लगा, ये मैंने सिलीगुड़ी में भी बहुत सारे पैच में देखा, रोड टार का रोड है और उसके अंदर ऐसे पत्थर पत्थर डाल के रखे है, जो बेस्ट है, ग्रिप अच्छा देता है। बट ये कंडीशन है मेरे को अच्छी ग्रिप दे रहा है वाइल टर्निंग, सो बारिश में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज ऐसे रोड के ऊपर ही जो ग्रिप नहीं मिलती और टायर स्लिप हो जाता है इन मॉनसून सीजन। क्या बात है, देख लीजिए आप कितने ऊपर आ गया हमें, देख लीजिए उस माउंटेन के पीछे वाले माउंटेन से स्टार्ट किया था हमने, अभी भी ऊपर लेके जा रहा है, मज़ा आ रहा है बस। कम्प्लीटली ऑफबीट है ये, यहाँ पे ना इधर एक टूरिस्ट की गाड़ी दिख रही है ना कुछ, कोई बाइकर्स भी नहीं, बस लोकल्स की गाड़ियाँ है। देखो ना चढ़ाई चालू ही है, ऊपर 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 लेके जा रहा है, ऐसे देखोगे ना आगे कुछ नहीं, चो आ गया ऐसा लगता है। बट जैसे टर्न मार ले देखो और भी माउंटेन ऊपर की तरफ है, बीच बीच में मंकीज भी है, मंकीज भी अलग है, उनके फेस ना कम्प्लीट ऐसा लाल है, लाल। डॉगी काय करते हो तू, बड़ा टर्न लेंगे हम लोग फर्स्ट गियर में डाल के, ये ऐसे वाओ ट्विस्ट इज। मेरे 13 किलोमीटर मान लिया, ये रोड मेरे हमेशा दिमाग में रहेगा। मिराक विजिट किया था इन लद्दाख दियर पैंगोंग, अभी है मिरिक। फर्स्ट गियर ही अपना बेटर है, ये देख लीजिए, ओ शिट वो रोड दिख रहा है यहाँ से, अभी देख नहीं सकता। ओ वापस उस तरफ लेके गया, कैसे रोड वाला, देखिए इसी माउंटेन में इस तरफ लेके गया। सो एक पॉइंट था उस वाली वैली दिख रही थी, अभी डायरेक्टली इस वाली लेके आया विद इन 5 सेकेंड भी नहीं रहेगा, 3 से 4 सेकेंड में मज़ा आ गया। वो देखिए माउंटेन्स, अभी कुछ लग रहा है माउंटेन के लेवल पे आ गया मैं। ओहो टाइम चेक 7:30 हो गया, 7 बजे चालू किया था हमने ये वाला रोड भाई, ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा यार, सुपर। देखिए और कितने ऊपर लेके आया हमको, ये देखिए बोला था मैं कि बारिश कम गिर रही है, पूरा सूखा पड़ा है यहाँ पे,
अंकल बराबर बोल रहे थे इस साल बारिश इतनी अच्छी नहीं हुई है यहाँ पे, देखने में मज़ा आता था। क्या अंकल स्टाइल में खड़े हो, वाह, सनी देओल पोज। ऑलवेज गिव प्रेफरेंस सामने वाले को, लद्दाख राइड में ये सिखाया हमने बॉस। मैवरिक कहाँ आ गई यार तू, कहाँ मुंबई में घूमती है और कहाँ ये आ गई देख, विदाउट ज़्यादा स्ट्रेस लेके। अभी देखूँगा ना तो राइड के, इस नॉर्थ ईस्ट राइड के क्लॉक हुए हैं सिर्फ 62 किलोमीटर। 62 किलोमीटर मुंबई से यहाँ पे आ गई देख तू। ओ भाई ये क्या कर रहा है भाई साहब, ट्रैवल कर रहे हैं या चोरी चोरी से ट्रैवल कर रहे हैं, क्या कर रहा है? डेंजरस है भाई, डेंजरस है सब। आई लव मिरिक, आई लव मिरिक की यहाँ पे आए तो फोटो तो एक बनता है। स्टिल 23 किलोमीटर जाना है, 56 मिनट रिमेनिंग बोल रहा है। मज़ा आ गया, मस्त फोटो खींचे यहाँ पे, खोई नहीं था। अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो पीछे एक चौक चला गया, वहाँ पर ऑप्शन था बाईपास टू दार्जिलिंग करके, तो वो रोड एक राइट हैंड तरफ जाता है एंड ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ रोड था, ये विलेज के अंदर से जा रहा है और वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है पशुपति फाटक 15 किलोमीटर। अभी इस विलेज से 13 किलोमीटर है, सो वो एक जंक्शन ध्यान में रखना इफ़ इनके ट्रैवलिंग टू पशुपति फाटक। अच्छा खासा बड़ा है विलेज। और एक चीज़ यहाँ पर देखा ना मैंने, यहाँ पर लॉटरी वाले का फंडा बहुत है, बहुत दुकान थी सिलीगुड़ी में भी, लॉटरी का टिकट बेचता है पब्लिक, सो दुकान पे बहुत गर्दी रहती है। मैं भी सोचूं क्या खाने का, चाय का टपरी है क्या है, नहीं लॉटरी का टिकट, सुबह सुबह इतना गर्दी। अभी तक तो किसने बोला नहीं कि बाइक अलाव नहीं है, बिकॉज लोकल की बाइक तो जा रही है। देखते हैं क्या होता है भाई, रास्ता देखो पूरा जंगल में से जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है पशुपति फाटक, देखते हैं हमको अलाउ किया जाता है क्या। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ओ ये बॉर्डर से यहाँ पे, यहाँ पे बॉर्डर है। तो यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड या? सर यहाँ पे रुकाओ, तो वही बाइक कहाँ पे लगाऊं, चलेगा? कहाँ पे लो, यहाँ पे लो, सर वहाँ पे जस्ट फोटो खींचाना है और जाना है, यहाँ पे फोटो खींचाना है और जाना है, ये जो है ना गेट के यहाँ पे से फोटो खींचा के जाना है। फिर भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊं? हाँ जी रिटर्न जाने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट दिखाना तो दिखा तो आपको आधार कार्ड या कुछ, मैं सिर्फ यहाँ पे खड़ा रह के फोटो खींचूंगा बस, वापस आएगा ना? हाँ आपके सामने यहीं से जाऊँगा। अंदर जाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है सर, आधार? नहीं सिर्फ अंदर वो मार्केट घूम के आने के लिए भी लगता है, लगता है। ओके फाइनली अलाउ किया है, पर अंदर जाने के लिए भंसार करना पड़ता है, बस यहीं पे लगा के फोटो खींचेंगे हम। नहीं नहीं गाड़ी आएगा तो पीछे जाऊंगा, सिर्फ फोटो खींचाना है। सो ये है गेट, यहाँ से स्टार्ट होता है नेपाल। अभी आपको सिर्फ यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए ये है इंडिया, ये है नेपाल, इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल किया हूँ, क्या बात है यार, अलग ही फीलिंग है, एकदम अलग फीलिंग है। बाइक अपनी वहीं पे खड़ी है एंड ये है गेट। सो आपको गाड़िया को नंबर दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये नेपाल का नंबर है, देख रहे हैं आप, और वो है वेस्ट बंगाल वहाँ पे, एंड ये भी यहाँ पे देखिए नेपाल की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। सो ये सब नेपाल की गाड़ियाँ हैं। सो यहाँ से मार्केट आप घुमाते हो ना? कितने होता है? टैक्सी का 300 लेंगे, लेके जाएंगे, लेके आएंगे, वेटिंग करके, आपको वेटिंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, वापस लेने टाइम पे करना है, एक टैक्सी रिजर्व रहता है सेपरेट। और कितना टाइम लगता है, एक दो घंटा? एक घंटा डेढ़ घंटा आपका मर्जी है। ओके टैक्सी में तो 10-15 मिनट में हो जाएगा। हाँ उसके बाद में आपको ऊपर रहता है कितना टाइम लेंगे आप लोग। वो मार्केट है ना, मार्केट का नाम क्या?
पशुपति मेन मार्केट मंदिर है। ओके सो ये भी आप कर सकते हो। फाइनली यार अलग ही फीलिंग है। सो यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं, तो आई एम क्लोजिंग द कैमरा। सही यार, एकदम सही है। सो चलो चलते हैं इंडिया वापस। ये है गेट नेपाल का, नेपाल चेक पॉइंट, एंड ये है वापस इंडिया। नहीं इधर से ही फोटो खिंचाने गया था, अभी गया था पाँच मिनट पहले। सॉरी आगे लगाता हूँ, ये लोग का खिंच बहुत है यार, लोकल वाले का। सो दैट वॉज द नेपाल बॉर्डर एंड फर्स्ट टाइम मैवरिक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस। सो वो रही अपनी मैवरिक एंड वो रहा बॉर्डर यार। स्टिल आई कांट बिलीव कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आया मैं। वापस अगर बोल रहा हूँ, वो जो गेट था वो सिर्फ दिखाने के लिए था, व्यू पर फोटो खिंचाने के लिए और लुक के लिए। गाड़ी आपने देखी वो थी उस गेट के इस तरफ, दैट मीन वो नेपाल एरिया था जहाँ पे मैंने फोटो खींचा और जहाँ पे मैं खड़ा था। तो आप लोग बोलेंगे अरे नेपाल तो उस तरफ रहा, ऐसे नहीं है। अदर देन दैट वहाँ की गाड़ियाँ अंदर कैसे अलाउ करते थे। एंड द मेन गेट आप बोलोगे ना तो यहाँ पे ये देखीजिए, ये जो रेड एंड ब्लू है वो इंडिया का है, एंड ये जो ब्लू वाइट है वो एंट्रेंस है नेपाल का। तो ये क्रॉस बॉर्डर एरिया है यहाँ पे। सो यहीं से हमने एंट्री कर ली थी इन नेपाल। सो अभी मॉर्निंग के 8 बज गए हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे मोमोज और मैगी ट्राई करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी टूवर्ड्स दार्जिलिंग। दार्जिलिंग इज 35 किलोमीटर फ्रॉम दिस लोकेशन, गूगल बता रहा है 1 घंटा लगेगा। सो 2 घंटा पकड़ लेते हैं, उसके बाद अभी देखते हैं कैलकुलेट करके अपना जॉय राइड का टिकट भी बुक करना है। सो वो भी कैलकुलेट करके वो भी कर लूंगा। पहाड़ वाले में हमने ट्राई की थी इन लद्दाख, एंड नाउ वी आर ट्राइंग इन तुमसोंग। करंटली वी आर इन तुमसोंग। सो अपने मोमोज भी आ गए हैं, क्या गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है यार। वेज मोमोज वी आर ट्राइंग वेज। Testing 1 2 3 1 2 3 testing. मैं जाने वाला हूँ, अंदर जाने वाला हूँ डॉक। मेरे को सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाना है। बहुत नाटक है ये लोग का। लोकल्स लोकल्स लोकल्स, इनका खुश नहीं कर सकते आप।